वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने एल्गी और अन्य जीवों का अध्ययन किया था, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। इसके बाद हमारा लास्ट जो किंगडम होगा वो होगा एंजियोस्पर्म का। यहाँ पर आज का हमारा जो किंगडम है, प्लांट किंगडम, उसके अंतर्गत हम जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म को हम हिंदी में नग्नबीजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म के जीव बीज होते हैं, उनमें जो बीज बना होता है वो नंगा होता है। कहने का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं पाया जाता है। आप देखते हैं कि फल के भीतर बीज होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक ओवरी होता है, स्टाइल, और ये स्टिग्मा। ओवरी को हम अंडाशय बोलते हैं, और निषेचन के बाद यही जो ओवरी होता है यही फल बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फल क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनने वाली संरचना को हम फल कहते हैं। तो कहने का मतलब है जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं पाई जाती है, इसलिए जिम्नोस्पर्म में फल भी नहीं पाया जाता, और इनका जो बीज होता है वो नंगा होता है, नग्न होता है। इनके ऊपर फल की भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आइए यहाँ पर कुछ लक्षण को देखते हैं जिम्नोस्पर्म के। पहला जो लक्षण है, सीड्स आर नेकेड। नेकेड का मतलब होता है नग्न या नंगा। तो इनके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। आपको बताया गया कि फल के भीतर बीज होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ओवरी नहीं पाई जाती है, अंडाशय नहीं पाया जाता है, इसलिए जो बीज होते हैं वो फल के भीतर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो नंगे होते हैं। दूसरे लक्षण की बात करें, पेरेनियल और रूटिंग। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो पेरेनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। पेरेनियल का अर्थ होता है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय उड़ी मतलब होता है काष्ठीय। तो इस जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं वो काफी विशालकाय प्लांट्स होते हैं, और इनमें लकड़ियां काफी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। एक आपने वृक्ष का नाम सुना होगा, सिकोया, जो कि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। तो उस सिकोया को भी जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत ही रखा जाता है, वो भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म के, उनमें नेकेड सीड होता है। नेकेड का मतलब जो सीड होता है वो फल के भीतर नहीं पाया जाता है। आपको बताया गया कि ओवरी एब्सेंट होती है, अंडाशय अनुपस्थित होता है, इसी कारण से फल नहीं बनता है, और इसके जो बीज होते हैं वो नंगे होते हैं। दूसरा जो इसका एक लक्षण है, इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो नीडल लाइक होती हैं, सुई के आकार की। नीडल मींस होता है सुई। इसकी जो पत्तियां होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की, वो नीडल लाइक होती हैं, सुई के आकार की होती हैं। इससे क्या होता है, इनके ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर बन जाती है, और उनमें जो ट्रांसपिरेशन की क्षमता होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है उसकी काफ़ी बचत होती है, जल नष्ट नहीं होने पाता वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। दूसरे अगर हम लक्षण की बात करें, पॉलिनेशन बाई विंड। विंड का मतलब होता है पवन या समीर। पॉलिनेशन मतलब होता है परागण। तो यहां पर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें स्टिग्मा नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ ओवरी भी नहीं पाई जाती।
क्योंकि आप जानते हैं कि जो परागकण होते हैं वो स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं, परागण होने के लिए जो परागकण है उसी स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं, फिर वो जो परागकण होते हैं उनमें एक प्रकार की ट्यूब जैसी संरचना विकसित होती है और यहाँ से वो नलिका जो है विकसित होकर यहाँ पर इसके अंडाणु तक आकर पहुँचती है, तब जाकर परागण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर क्योंकि स्टिग्मा नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स में, इसलिए इनमें जो है सेल्फ ओरिनेशन नहीं होता है, बल्कि जो परागण होता है वो वायु द्वारा होता है, वायु परागण होता है। अगले हम लक्षण की बात करें, देवहार कौन का मतलब होता है संघ, कुछ इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कौन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है इन जिम्नोस्पर्म्स में और इस कोन के भीतर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विकसित होते हैं। देहार कोन विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें कुछ जनन संबंधी स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम साइकस का एग्जांपल ले लें, साइकस आपने नाम सुना होगा, तो साइकस में मेल कोन होता है और उस मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर माइक्रोस्पोर या फिर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है, आपसे पूछा जाए कि कोन का फॉर्मेशन किस प्लांट किंगडम में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जिम्नोस्पर्म्स में। दूसरे हम लक्षण की बात करें, सीड्स कंटेन इंडोस्पर्म, इनका जो सीड होता है वो इंडोस्पर्म होता है, भ्रूणकोष होता है जो कि नए उगने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सीड्स कंटेन इंडोस्पर्म दैट स्टोर्स फूड, जो इंडोस्पर्म होता है बीज में जो इंडोस्पर्म होता है वो उसमें फूड मटेरियल संचित रहता है, भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जो कि जब वो बीज उगना शुरू कर देता है तो वही जो उसमें संचित भोज्य पदार्थ है उस भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और फिर एक नया पौधा जन्म लेता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, संवहन बंडल होते हैं, वो पूर्ण विकसित संवहन बंडल पाए जाते हैं।